ये हमारा मिवान है, इसकी एज है 1 ईयर 3 मंथ्स। मदर की कंप्लेंट थी कि ये बच्चा मिट्टी खाता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पाइका। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें या फिर जो ऐसी चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए, नॉन एडिबल चीज़ें खाते हैं। तो इसका जो सबसे मेन कारण है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी होना, और देखने पे ही बच्चे का ब्लड कम है। इसमें यूजली इन बच्चों में आप हिस्ट्री देखोगे, इसमें यही रहता है कि टाइम पे बच्चे को फीडिंग नहीं स्टार्ट की जाए, तो उस वजह से ये रहता है इसमें। तो इसको आप खाना खिलाते हो कि ज़्यादा दूध ही पीता है? दूध पिलाते हो, खाना थोड़ा सा ही खाता है। मेन इसकी डाइट जो है दूध है, तो ये बेसिकली न्यूट्रिशनल ही है। तो अगर तो आपने बच्चे को 6 मंथ्स पे प्रॉपर फीडिंग नहीं स्टार्ट, सॉलिड्स देने सेमी सॉलिड्स नहीं देना शुरू किया, तो बच्चे का ब्लड कम होता जाएगा, उस वजह से पाइका की कंप्लेन रहेंगी और बच्चा खाना नहीं खाएगा। इसमें हम सिर्फ आयरन सप्लीमेंटेशन करते हैं, उसी से ही बच्चा हमारा 1-2 महीने में काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। ये कोई कैल्शियम की कमी नहीं होती, कोई और कमी नहीं है, ये मेनली आयरन की कमी है। तो सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके 6 मंथ्स पे खाना इसको स्टार्ट करवाएं, और यही इसी से ही आपका बच्चा इम्प्रूव होगा।